इक्विवेलेंट डिस्टेंस अक्रॉस ए बी। देखिए ये ए बी है, यहां पर ये ए बी है और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है। देखिए ये क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो अपर ब्रांच आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये चारों डिस्टेंस का ये ब्रांच देख रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये ट्रायंगुलर दिख रहा है बट इट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर इसको थोड़ा ऊपर कर दें, इसको भी थोड़ा ऊपर कर दें, तो ये चारों मिलकर के बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा अपर पार्ट। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा तो बताने की जरूरत नहीं है, इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। बता चुके हैं आपको। अब देखिए ये आर और आर सीरीज में है, तो ये आर और आर सीरीज में टू आर हो गए और ऊपर वाले का हो गया आर, तो आर पैरेलल टू आर और उसके साथ ये सीरीज में है, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये आर सीरीज में है तो दिस इज आर प्लस, ये हो गया आर पैरेलल टू आर। तो इसको आर पैरेलल टू आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू टू आर प्रोडक्ट बाय सम क्या हो जाएगा, थ्री आर, ये आर आर कट गया तो ये हो गया दिस इज आर प्लस टू बाई थ्री आर और ये कितना हो जाएगा, थ्री प्लस टू फाइव बाई थ्री आर, तो दिस विल बी फाइव बाई थ्री आर।